जाओ अपनी जगह पर। सारे खुश हों? तो अभी जैसे हम जानते हैं कि हम सब आत्मिक उन्नति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, ये बड़ा विषय, बड़ा विषय आत्मिक उन्नति, बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में जब आप उस लेवल में आ जाओगे ना जहाँ पर ये आत्मिक उन्नति करने का बुद्धि हमारे पास आ जाती है एक बार, फिर मनुष्य वो मनुष्य नहीं रहता जो पहले होता है। उसके अंदर परमेश्वर का जो स्पिरिट है वो एक खास रीति से काम करना शुरू कर देता है, एक बड़ी खास रीति से परमेश्वर का स्पिरिट, और जिसमें आपको हमेशा आत्मा का आनंद आपके अंदर रहता है, आत्मिक आनंद आपके अंदर बना रहता है। और जो ये चीज़ नहीं होती है, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों में से शरीर और आत्मा के ऊपर कितना ऐसे प्रैक्टिस करते हो आप लोग, शरीर और आत्मा के ऊपर इस विषय को अपने जीवन में रोज़ प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना, शरीर और आत्मा के विषय को जानना समझना, इसमें आप लोग कितना ध्यान देते हो डेली, बताओ मुझे। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, आमेन बोलो। नहीं पता किसी को, मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम आए यहाँ पर अपनी नींव को पक्की करने के लिए, ताकि और ज़्यादा परमेश्वर के साथ चलें, और परमेश्वर की ज़्यादा इच्छा पूरी हमारे जीवन से हो। क्योंकि आप लोगों को एक पॉइंट पकड़ना है बस, वो है परमेश्वर के साथ जीना, बस उसमें है सब कुछ। ये मुझे बताओ, परमेश्वर से बाहर कुछ होगा, कुछ भी परमेश्वर से बाहर मनुष्य का क्या जीवन है? जब आप लोग परमेश्वर में नहीं थे, क्या जीवन था आपका? सोचो, सोचो, सोचते हो कभी ऐसे? सोचते हो थोड़ा थोड़ा ना, कितना बुरा हाल था। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि हमने मनुष्यों को परमेश्वर मान लिया, इंसानों को परमेश्वर मान लिया, चीज़ों को परमेश्वर मान लिया, और वो हमारा नाश था। समझ आ रही है नहीं? तो ये मुझे बताओ कि परमेश्वर ने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, सोल्जर्स को, वॉरियर को ऐसे क्यों किया? या बाम दृढ़ हो जाए, ऐसे क्यों कहा? बताओ मुझे, कोई आंसर दो एक जना, क्योंकि ये सीखने सिखाने वाली मीटिंग है ना, किसी से आंसर पूछते हैं आप लोगों में से, बोलो। क्योंकि आपा अपने कामां दे विच लागे रहिंदे आ, जां अपने मन नूं तगड़ा नहीं करदे तो दलेरी साढ़े मन च नहीं आउंदी। अगर साढ़े मन दे विच दलेरी हजाब एक काम करन नूं, तां असीं ओह काम नूं कर सकदे आ। जे असीं ओह इक आधार लैंदे आ चीज़ नूं, मैं करना, तां असीं ओहनूं कर सकदे आ। तो जे अपने मन दे विच बोला वी असीं करांगे करांगे करांगे, तो इदा नहीं होंदा। जदों असीं एक दृढ़ इरादे नाल काम करनू करांगे, तो जे परमेश्वर वल्लों सानूं मिलदा दृढ़पन हिजाब बन, तो असीं ओह काम नूं कर सकदे आ। तो वह जदों जिहनूं जिदां यहोशुआ नूं कहा परमेश्वर ने हिजाब बन, अगर वह आगू ढिला रहिंदा तो फिर दूजा लोग किदां दे काम करदे। इस करके वह जिहड़ा आदमी सी जिहड़ा चुणदा परमेश्वर, उन्हां नूं हिजाब तगड़ा करदा तां कि वह अपने मन नूं नीचा ना करे। अमेन। और कोई? हाँ हाँ, जो बोलना चाहता खड़ा है अपनी जगह, फटाफट बोलो, आप बंद कर बोलो। हाँ हाँ, बात कर जाओ उसके। हाँ, जय मसीह बाबा जी। जय मसीह की। सर, परमेश्वर ने हमें इसलिए दृढ़ किया कि परमेश्वर के हम बच्चे हैं, वो इतना हयाब वाला है, दलेरी वाला है, तो उसके बच्चे भी हयाब और दलेरी वाले होने चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए हयाब और दलेरी में रहने के लिए कहा है। ओके, सुनो, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें जो भी बच्चे बोलते हैं परमेश्वर के अच्छा है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। लेकिन इधर देखो, चीज़ ध्यान दो इधर, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की ताकत है, वो सामर्थ है, वो तभी काम करती है जब एक मनुष्य के अंदर दलेरी है, याब है, नहीं तो नहीं करती। ये दिमाग में फिट कर लो बात, ये अपने माइंड में पक्का बात कर लो, परमेश्वर की सामर्थ ताकत तब काम करती है जब मनुष्य के अंदर एक दलेरी है, एक हियाब है,
अगर वो नहीं है तो परमेश्वर की सामर्थ उसके द्वारा काम नहीं करेगी, इसलिए परमेश्वर ने कहा था यहोशू को, इसीलिए ने कहा था मूसा को, इसलिए कहा था उस समय के कई भविष्यवक्ताओं को, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जब ये तगड़े होंगे ऐसे याब रखेंगे तो मेरी सामर्थ इनके साथ होकर क्या करेगी, काम करेगी। आप देख लेना, आप ढीले होंगे, कोई चिंगाई होगी, कोई बात प्रकट होगी, आप सोचो ढीले पड़ गए एक बार, ढीले 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 और ढीला होना शुरू करोगे। आप जानते हैं हम जब हीलिंग्स करते हैं ऐसे शब्द को देते हैं, ये होने वाला है, उठ खड़ा हो चल कुछ नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हैं हम जानते हैं इन शब्दों में खुदा की सामर्थ काम करती है। बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा किया, अब हमें बिलीव से विश्वास से इन बातों को बोलना है, प्रकट करना, हां उठो चलो दौड़ो कुछ नहीं है हालात, ऐसे क्यों बोलते हम? क्योंकि कुछ लोग उसे पकड़ लेते, कुछ लोग विश्वास कर लेते, कुछ लोगों को 10 बार ढीले होते, कई लोग दिमाग के ढीले, सोच के ढीले, कुछ लोग ऐसे होते हैं परमेश्वर की हियाब की बात को नहीं पकड़ते। इसीलिए हम यहां लोगों को बोलते खड़े हो दौड़ो चलो कुछ नहीं है हालात, क्योंकि हम जानते परमेश्वर की सामर्थ है, वो काम कर रही है। जितने लोगों ने उसके नियम में आए उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करने लगेगी। आमेन। तो आज आप लोग ये पॉइंट पकड़ लो सारे लोग कि यहां पर हमें बढ़ना है आगे प्रेम में, क्योंकि प्रेयर लाइफ ही है सबसे पावरफुल विषय हमारे लिए। कौन सी चीज? जो हमारे अंदर होली स्पिरिट काम करेगा या सामर्थ काम करेगी, हियाब काम करेगा, दलेरी काम करेगी, अच्छा मन काम करेगा, उत्साह काम करेगा, ऐसे ये सारी चीजें ये होनी है प्रार्थना से। और जिसकी प्रार्थना ही है उसका होगा ही काम। आप देख लेना, आप लोगों में से जिनकी प्रार्थना थोड़ी रह गई है ना, वो सुस्त हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, वो जो होता है ना क्या कहते हैं, एक क्रियोस्टी होती है, क्रियोस्टी ऐसे कुछ करने, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है जिसकी प्रे नहीं होती, ढीला होना शुरू हो जाता, नॉर्मली होना शुरू हो जाता नॉर्मली। लेकिन जिन लोगों की प्रार्थना होगी फिर देखी ना, जो लोग कई बार रात को भी उठकर शुरू हो जाते, जागा जाए कभी 2 बजे जागा के शुरू, ऐसे लोगों को देखना उनके अंदर ही आप कैसे काम करता है, उनका दिल मन कैसे काम करता है। जैसे ऐसे लोगों के अंदर ऐसे प्रे प्रे ऐसे मुझे पढ़ना है, ध्यान है जिन लोगों के अंदर। सुनो एक चीज याद रखना आप सब लोग, हमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पैसों में बरकत नहीं होगी, बिजनेस इतना अच्छा नहीं होगा, दूसरी तीसरी वो चीज ये चीज, क्या है ये चीजें जो हम सोच रहे, खुश भी नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम लोग कौन हो। अब हम यीशु में लोग कौन है, हमारी उन्नति क्या है, अब हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के साथ वो कितना बड़ा है, तुम्हें वो समझ होनी चाहिए, तुम्हें वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, तुम्हें वो फोकस होना चाहिए। ये बात याद रखो, हम नॉर्मल नहीं है, हमारी प्रार्थना नॉर्मल नहीं है, हमारा विश्वास नॉर्मल नहीं है, हमारा अंगीकार नॉर्मल नहीं है। आप जो रोज बोलते जाओगे ना परमेश्वर के सामने वो होना होना ही है, याद रखना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। मैं कहता बांज बंदा है, 50 साल की उम्र है, 50 साल 70 साल उम्र है, 50 साल से बेबी नहीं, पर वो बिलीव में आ गया है, ध्वज अंगीकार कर रहा है मेरे लिए बेबी है, अंगीकार कर रहा है, बिलीव से शक नहीं कर रहा, डाउट नहीं कर रहा। देखना फिर होगा कि नहीं होगा, इतना पावरफुल ये नियम। इस दुनिया में हम कुछ हैं, हमें अभी और बदलने की जरूरत है, हमें और आत्मा में आने की जरूरत है, हमारा दिल दिमाग सोचें पूरी तरह से आत्मा में आनी चाहिए, क्योंकि जब ये शरीर में आ जाती फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है, इधर की बातें वो बातें, ये हालात ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कुछ ठंडी ठंडी चीजें, इससे हैवी नहीं होने देना अपने ऊपर, दूसरी बातों को, हालात को, ये पॉइंट वो विषय ये कब होगा, ऐसा नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा वो, ये कुछ भी नहीं है,
ये परछाई है। बोलो, जो चीजें आपके लिए नहीं हो रही, जो चीजें आप सोचते होनी चाहिए, मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं, लेकिन वो हो नहीं रहा जो चाहिए, वो परछाई, उसे मत देखो, वो कुछ भी नहीं है, वो महज एक परछाई है। वो हमारे लिए जो हमने बाइबल में देखा नबियों के जीवन को, बड़े मिराकल, बड़े पावर, उन्हें देखो। मूसा के द्वारा खुदा ने काम किया, समुद्र को दो भाग कर दिया, अपने लोगों को समुद्र के अंदर से निकाल, ये बातें सोचो। हमें ये सोचने की जरूरत है, जो खुदा ने किया, जो खुदा कर रहा है वो सोचो, जो नहीं हो रहा उसे साइड पर करो, बोलो कुछ भी नहीं, ये करने की जरूरत है अभी हम लोगों को, ये बात ध्यान रखो। आमेन। क्या समझ आ रही है आप लोगों को? आप को ये समझ होनी चाहिए बड़े जबरदस्त रीति से कि परमेश्वर ने अब हमें अंधकार में से चुना है। आप लोगों में एक काम करना, जो दूर से आए हैं, तुम लोगों ने कोई मीटिंग नहीं ऑनलाइन छोड़नी, जो दूर से आए, जो दोबारा एक महीने तक नहीं आ सकते, मुश्किल है, दूसरे स्टेट से है, 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन जो पंजाब में है, अगर तुम लोग पंजाब में हो तो तुम लोगों को 8 संगति अटेंड करना, कराया ये वो थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन ना स्ट्रॉन्ग बनो, 4 मीटिंग लगातार लो, संडे या वीरवार। आपको ना, मुझे ऐसे होली स्पिरिट कह रहा है, जैसे आप लोगों पर कुछ ना शरीर की बातें हैवी हुई है, कुछ लोगों पर ऐसी कुछ चीजें हैवी जो आपको डल कर रही है, ऐसे मैं फील कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे कुछ बातें, कुछ शरीर की बातें, कुछ दूसरी तीसरी चीजें, हालात, वो चीजें ना आपको डल कर रही है, डल ऐसे हैवी हो रही है, उन्हें उखाड़ना है, आपने हटाना है और आगे बढ़ने वाला मन लेकर आना आगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ रखा खुदा ने, तुम्हें पता नहीं हमारे लिए क्या क्या है, कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने वायदे। अरे परमेश्वर तुम्हें आसमान में उड़ा कर लेकर जा सकता है। देखो ये देखो देखो, ये कथा कहानी की बातें नहीं है, कोई भी कथा कहानी की बात नहीं है। जब आप आत्मा में वचनों को पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिल छिदेगा, दिल। वचन में पढ़ रहा था प्रेरितों की बुक से, ये देखो, यहां पर सबसे पहले ये यीशु मसीह का एक वो चेला है जो मेन चेलों में से चेला नहीं था, जैसे सीनियर चेले होते ना, सीनियर चेले, वो नहीं था ये, ठीक है? इधर ध्यान दो मेरी तरफ, सीनियर का मतलब समझते हो, सीनियर, जैसे अभी मैं सीनियर हूं तो आप लोगों को बूस्ट कर सकता हूं, सीनियर मतलब होने का मतलब ऐसा ही नहीं है, सीनियर बनने का मतलब उसमें बहुत कुछ चीजें होती है, इसीलिए वो बहुत लोगों को चला सकता है अपने याप से, अपनी बातों से। ऐसे ही नहीं खुदा किसी को इतनी पदवी पर खड़ा कर देता, ऐसे ही नहीं होता। यहोशू के समय में इतने शूरवीर, उससे भी ज्यादा बॉडी में ताकत है। यहोशू का कंध हो सकता है छोटा हो, लेकिन यहोशू से भी 1 फुट लंबे शूरवीर योद्धा उस समय इसराइलियों में थे, बुद्धिमान, पढ़े लिखे उससे ज्यादा थे। लेकिन यहोशू के अंदर जो क्वालिटी थी, जो मन था, जो दिल था, जो प्यार था परमेश्वर के लिए, वो यहोशू के अंदर था, याद रखना, वो दूसरे तीसरे किसी के अंदर नहीं था। इसीलिए यहोशू ही ऐसा बंदा था जो पूरी इसराइल प्रजा को हाक सकता था, हियाब में चला सकता था, आगे लेकर जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसे यूज कर सकता था। परमेश्वर को एक गुड हार्ट चाहिए, एक अच्छा दिल चाहिए, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे, परमेश्वर इस्तेमाल करे, याद रखो। आमेन। तो वो यहोशू के अंदर था। सीनियर का मतलब नॉर्मल नहीं होता, वो दूसरे गिरते हुओं को तेज करता है, लड़खड़ाते हुओं को अपने शब्दों से वो मजबूत करता है, वो होता है सीनियर, वो होता है लोगों को आगे लेकर जाने वाला, याद रखो। आमेन। अगर आप भी ऐसे बनोगे तो अपने परिवार को ऐसे चलाओगे, अगर वो कभी आगे पीछे हैं, कभी उनकी बातें
नेगेटिव है, उन्हें दलेरी देना, उन्हें याप देना, उनकी कई बातों को क्षमा कर देना, छोड़ देना उन्हें। ऐसे नहीं बार बार आप उन्हें रियलाइज कराओ कि तुम बेवकूफ हो, तुम फोकस हो, तुम्हारा कोई पल्ले नहीं। कुछ आदमियों को आदत होती है, कुछ लोगों को उनको हमेशा वो क्या करना, लज्जित करना अपनी बातों से। नहीं, हमेशा नहीं करते ये बात। कभी कभी उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो दूसरी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें, उन्हें छोड़ दो, उन्हें अच्छी चीजें बताओ, उनके दिमाग में अच्छी चीजें, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं ये हो सकता है, ऐसी भी चीजें कभी कभी करनी पड़ती है। आमीन। पता है या नहीं पता आपको, ये भी आप लोगों को जरूरत है करने की अपने परिवार में। ये देखो क्या है यहां पर, अगर आप प्रेरितों की बुक 8 अध्याय पढ़ोगे तो ये सीनियर चेलों में से चेला नहीं था, लेकिन पूरी तरह मन स्ट्रांग था इसका परमेश्वर के साथ। अगर 8:4 में पढ़ोगे तो यहां पर इस फिलिप्पुस ने कितने चमत्कार किए, लंगड़े चंगे किए, शुद्ध आत्माओं को निकाला, अधरंगियों को चंगा किया, है ना, बहुत ऐसे सामर्थ के काम किए। इसने ये काम क्यों किए, इसके द्वारा क्यों परमेश्वर ने काम किया, क्योंकि इसके पास वो मन था, वो दिल था। ये गुड न्यूज तो दे रहा था सामरिया नगर में जाकर, ये दिल से परमेश्वर के लिए कर रहा था, अपनी महिमा के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए कर रहा था, दिल से कर रहा था, पूरे मन से कर रहा था ये काम। और जब ये काम कर रहा था तो परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया यहां पर, और यहां पर बहुत सारे मिराकल चमत्कार हुए। आप जानते हो जब कोई मिराकल होता है, चमत्कार, वो बड़ा बहुत पावरफुल विषय होता है, नॉर्मली विषय नहीं। मुझे पूछो, जब यहाँ कोई हीलिंग होती है इस चर्च में, कितना आनंद आता है मुझे, आप सोच भी नहीं सकते। शायद उतना करोड़ रुपया कोई दे दे उतना आनंद नहीं आएगा जितना उस हीलिंग से आता हम लोग, करोड़ रुपये से नहीं आएगा कि कोई कहे ये बैग भरा ये करोड़ रुपया चर्च के लिए अच्छी चीज़ है, चलो वो काम आएगा, लेकिन वो आनंद इतना नहीं देगा जितना एक हीलिंग से आता है जब यहाँ किसी का काम प्रकट होता है। सोच कर देखो। तो यहां पर परमेश्वर उसके द्वारा जब ये बड़े काम कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, बड़ी अद्भुत विषय है ये परमेश्वर का यहां काम करना। उसके बाद आगे पढ़ोगे तो वहां पर लोग जब ये चीजें देख रहे थे तो वहां एक इंसान था शिमोन, जो जादूगर था, ब्लैक मैजिक की चीजें उसे, चमत्कार चीजें ये करता था और लोगों को अपने आप को बड़ा मनुष्य बताकर अपने लोगों को पीछे लगाया था उसने, लोगों को, दुनिया को। लेकिन ये उन्हीं के बीच में जाकर, आप लोग भी बन सकते हो ब्लैक मैजिक, स्पेरों की बस्तियों में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। पता है, आपने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना किसी ने, साधु सुंदर सिंह के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना होगा, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो एक ग्रंथी, गुरुद्वारे की ग्रंथी का बेटा था। तब जब उसकी पत्नी बांझ थी, बच्चा हो नहीं रहा था, तो किसी ने गुड न्यूज दी उस ग्रंथी की पत्नी को कि तुम्हें बच्चा हो सकता है प्रभु से, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा वो कौन है। वो सुनती थी अलग आकर, उसे समझ आ गई कि परमेश्वर यीशु ही है, वो ही उद्धार करता है, उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। फिर जब वो बढ़ गई, उसको बच्चा हुआ, दर्शन मिला, उसका बच्चा हो गया, और बच्चा होने के बाद परमेश्वर ने दर्शन दिया, ये मेरा काम करेगा, इसको मेरे बारे में पढ़ा सिखा। वो बाइबल की बातें उसे सिखाती थी चोरी पति से। जब सुंदर सिंह को भी पता चल गया कि परमेश्वर कौन है, और उसके पापा को पता चला, तो वो मम्मी को और दोनों को मारने वाला, तलवार से काटने वाला है, बेइज्जती ना हो जाए। आप जानते, एक बार मार भी दिया, फेंक भी दिया काट कर, फिर भी परमेश्वर से बचा रहा था, ठीक है। लेकिन एक बार साधु सुंदर सिंह एक एरिया से निकल रहा था, सपेरों के एरिया से, और उसके दिल में आया, ये लोग कितनी मूर्ति शुरती, पता नहीं क्या अंधविश्वास चीजें कर रहे, इन्हें गुड न्यूज देते हैं। क्या देते हैं? गुड न्यूज। इन्हें बताते हैं जीवित परमेश्वर दुनिया का मालिक कौन है। उसने जाकर लोगों को बोला, ये तुम जो कर रहे हो पत्थर सांपों की पूजा, ये सब नाशित चीजें हैं, तुम क्या कर रहे हो जीवित परमेश्वर को छोड़कर। उनमें कुछ शैतानी बंदे थे,
उन्होंने कहा कौन है जीवित परमेश्वर? उसने सुंदर सिंह ने बताया ये ऐसे ऐसे। वो कहता हम मानने के लिए तैयार है अगर तू हमारी एक बात मानी। उसने कहा क्या? कहता वो क्या कर सकता है जीवित परमेश्वर? उसने कहा सब कुछ कर सकता है। उसने कहा मुर्दा जिंदा? हाँ वो भी कर सकता है। उसने कहा हम मानने के लिए तैयार हैं पूरी बस्ती परमेश्वर को, तुम्हें एक काम करना होगा। उनके हाथ में एक सबसे खतरनाक कोबरा सांप था, अगर तुम इसे लड़ाओगे तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि उसे आत्मा ने कहा था सुंदर सिंह को। उसने कहा मैं तैयार हूं। उस पर जब लड़ाया गया सांप, वो हंस रहे थे भी अभी मर जाएगा, 2 मिनट 4 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, 2 घंटे सारे उसके पांव के आगे गिरकर सबने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। क्यों कर लिया? ये मन चाहिए बड़ा, चलो उठे किया सुन दे रही दस। ये है सुस्ती वाला जिंदगी। क्या ऐसे बंदे दुनिया में कुछ कर सकते हैं? कुछ चाओ चाओ जे जदा को नवा नवा चाओ ना बुढ़िया बंदे ना वो चा चा जे एक दो वरी आई बस कुछ लोग। उन्हें क्या पता ये क्या है? क्या है ये खुदा का राज्य? क्या है परमेश्वर की मर्जी? क्या हम लोग सीख रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? ये चीजें है, कहानी थोड़ी है ये। अगर उसे सांप लड़ाया वो मरा नहीं, ये चीज हमारे लिए है। क्या इतना बड़ा मन, इतनी उन्नति, उसके लिए जीने वाला दिल, ऐसी चीजें हैं कि कुड़ 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 लड़ लड़ कर रोज जीना। ये चीजें छोटी मोटी कभी आ गए कभी ना आ गए, कभी दिल किया कभी ना किया, कभी हर बार में कंप्लेंट से भरा हुआ मन है हमारा। मन में रोज कंप्लेंट है, पापा नहीं मिलता, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, हमने छोड़ देना चाहिए। कंप्लेंट से भरा हुआ मन है। क्या करेगा ऐसा मन दुनिया में? जिस मन ही कंप्लेंट से बना है, कंप्लेंट से भरा हुआ मन है, बस सीखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला मन नहीं है, कैसे ऐसे बड़े बड़े मिराकल देखेंगे? फिर बड़ी बड़ी चीजें कैसे हम देखेंगे? फिर बड़े बड़े चमत्कारों को कैसे हम पर देखेंगे? जब ये चीज हमारे अंदर काम नहीं करी तो कंप्लेंट करने वाला मन हमेशा यहां आना भी दिमाग में, बस मैंने तो आज ना कुछ भी वजह में गलत करनी है ना, नहीं तो फिर शादी देना। कुछ दिमाग ऐसे टेढ़ा सिस्टम सोच कर ही रखा हुआ पहले से, दलेरी वाला दिमाग ही नहीं, बड़ा वाला मन ही नहीं है। वो है जिसने तुम्हें कहा मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। कभी उसकी बात पर कभी विश्वास किया है जिसने ये कहा मैं तेरे साथ हूं चिंता मत कर? कभी वो बात उसकी याद आती है? कभी किसने मुझे कहा है? इस दुनिया में कोई पदवी के ऊपर मनुष्य है, कोई रिश्तेदार है, चार चीजें उससे अच्छी हमसे, तो वो कोई काम कह दे या बात कह दे उसकी बात को इतना आदर नहीं? उसने कहा है बंदा चंगा है, एक मनुष्य की बात को इतना आदर, जिसने सृष्टि रची है, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने इस वर्ल्ड को रचा है परमेश्वर ने, उसके बारे में सोचो वो क्या कह रहा है। कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा रचने वाला हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं तुम्हारा छोड़ाने वाला हूं। क्या ये बातें हमारे अंदर चल रही है? क्या हम हालात में बो रहे हैं कुछ नहीं है, खड़ा होना सीख रहे हैं? ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बिलीवर के लिए ये बात। तुम लोग तो सुसमाचार दे रहे हो, उनसे बढ़कर चीज कर रहे हो, बिलीवर्स के लिए भी ये बात है, बिलीवर्स के लिए भी ये बात है, याद बात याद रखो। आमीन। तो यहां पर जब ये बड़ी चीजें करने लगा, लोग फिलिपस का विश्वास करने लगे, क्योंकि जो फिलिपस कर रहा था वो शमौन जादूगर नहीं कर सकता था। फिलिपस के पास परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, क्या पुरुष क्या स्त्री, वहां पूरा मूर्तियों से भरा हुआ नगर मन फिराने लगा परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने। तब जब एक बड़ा मनुष्य, एक बड़े दिल वाला, अच्छे वाला, मन वाला उनके बीच में जाकर उन्हें सच्चाई बता रहा है। जब आप लोग भी ऐसे लोगों के बीच में लोगों को
आप जानते हैं कितना बड़ा काम है, लोगों की रूह बचाना, लोगों को गुड न्यूज देना, और तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा, याद रखना, वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। ऐसा कभी हो सकता है आप लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार दे रहे हो और चाहे विरोध है कई चीजें आगे पीछे, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं, वो साथ है, उसकी सामर्थ साथ है, वो बताएगा उस समय क्या करना है। बस आप शरीर से नहीं आत्मा से करने वाले होने चाहिए, अच्छे दिल से करने वाले होने चाहिए, वो साथ है, याद रखो इसके साथ है परमेश्वर यहां। और उसके बाद इतना बपतिस्मा ये चीजें होने लगे, लेकिन लोग बपतिस्मा लेने के बाद अन्य भाषा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर वहां पर वो भी चीजें हुई, पवित्र आत्मा का दान भी पाया, आगे आगे पढ़ोगे तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां एक बड़ा विषय हुआ, 8:26 में अगर पढ़ोगे तो, 8:26 में अगर पढ़ोगे तो यहां पर फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिपस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गांजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो अगर यहां आप पढ़ोगे ये सारा वक्या जब पढ़ोगे तो यहां फिलिपस को कौन इस्तेमाल कर रहा है, बोलो कौन इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर इतना बड़ा विषय है, कितना बड़ा विषय, आमेन। फिलिपस को यहां पर परमेश्वर जब इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर से वे भी बता रहा है कहां जाना है, किधर को जाना है, और वो परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर के कहे हुए जा रहा है। वो एक बड़े आदमी को रथ पर बैठे हुए मिलता है जो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था और सोच रहा था ये क्या लिखा है। वो दुविधा में था, वो यरूशलेम गया था, वो पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित होना चाहता था, परमेश्वर को पाना चाहता था, परमेश्वर के लिए जीना चाहता था, लेकिन कंफ्यूज था, कुछ बातें उसे क्लियर नहीं थी, कुछ वचन उसे समझ नहीं था। परमेश्वर ने फिलिपस को इसलिए भेजा था कि उसके द्वारा उसे बताए, और बाइबल में लिखा जब उसने बताया उसके बाद उसने कहा कौन है जो मुझे बपतिस्मे से रोक सकता है। फिर उन्होंने एक जल आया, बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जब बपतिस्मा ले लिया वो पानी में गया, खोजा मंत्री, बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा उसे फिलिपस को हवा में उड़ा कर ले गया। सोचो हवा में ले गया, ऐसे नहीं चल कर गया, सामर्थ से ले गया उसे। क्या ये कहानी है, ये किसका काम है, जब ये शरीर से बात सुनोगे ऐसे अच्छा उठती शरीर में तो ऐसे बात आई नहीं, मतलब इतना हो गया ही। शरीर में है तो ऐसे दिमाग रहेगा नॉर्मल, अगर आत्मा में है तो ये बात इतनी दिल में धन्यवाद निकलेगा, ओह वो सामर्थ्य है, वो ऐसे ये है आत्मा से भरना, ये है परमेश्वर की बात को दर्जा देना, ये वो आत्मिक उन्नति जो आपके अंदर काम करेगी परमेश्वर के बात के ऊपर, उसके वचन के ऊपर इतना आपका एक्शन आएगा, मन आएगा, दिमाग आएगा, सोच आएगा, धन्यवाद आएगा, तब जब आपकी आत्मिक उन्नति। आमेन। और ये कठिन काम नहीं है, ऐसा नहीं है बड़ा कठिन है, कैसे आत्मिक उन्नति की, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये कोई कठिन नहीं है, परमेश्वर जब है तो कोई कठिन नहीं है, यह बात याद रख लो। वो है हमारे साथ, उसने चुना है, वो उसकी ये इच्छा है, ऐसा वो चाहता है परमेश्वर, वो खुद चाहता है। अब जानते हो बाइबल में यह भी बात लिखा, अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, कितनी बड़ी बात है, तुम उसकी इच्छा के अनुसार ये मांगोगे, वो खुद ऐसा चाहता है, उसने खुद ऐसा चुना है, वो चाहता है आपके अंदर काम करे, वो चाहता है आपको इस्तेमाल करे, वो चाहता है आप
दलेरी वाले मनुष्यों वो चाहता है आपके अंदर या वो आपकी प्रेयर लाइफ हो, बड़ा मन हो, बड़ी चीजें आपके अंदर, वो चाहता है ऐसा खुद। ये बात याद रखो, ऐसा चाहता है परमेश्वर। क्या आप चाहते हो आज? आप भी ऐसा चाहते हो? तो आज के बाद आज की मीटिंग ये तुम लोगों के लिए यादगारी की मीटिंग होगी। कुछ लोग ढीले ढीले आए अभी, उन्हें पता नहीं था आज ये मीटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, उन्हें पता नहीं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उन्हें पता नहीं था आज क्या करने वाला है परमेश्वर यहां पर। ढीलापन खत्म करने वाला है कलीसिया का, आपका, आपके परिवारों की ये चीजें जो नॉर्मल हो रही है इसे दूर करना चाहता है परमेश्वर। वो आपको जानना है, आप कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मुझे बता सकता है, मुझे यूज कर सकता है आप लोगों के लिए। वो जानना है, उसे पता है। पूछ कर देखो जो बातें ये कर रहा है, क्या एक भी इधर उधर है आपके अकॉर्डिंग, बात करना है या नहीं कर रहा परमेश्वर? बोलो, चेक करो अपने आप को, चेक करो आप सबके अकॉर्डिंग परमेश्वर बात कर रहा है या नहीं कर रहा। जो आपके साथ चल रहा था हो रहा, उसी के अनुसार बात हो रही है नहीं हो रही? तो इसे तो कहते हैं पवित्र आत्मा, इसे तो कहते हैं, इसी से तो पता चलता है परमेश्वर जिंदा है, वो मनों की बातें जानता है। इसे तो कहते हैं आत्मा सब कुछ जानता है। अगर ये बातें अगुए के तक नहीं आती, अगुआ आत्मा में नहीं है, तो फिर तो संसार जैसे हो गया, ये दुनिया जैसे हो गया। वो जुड़े रहो, वो पत्थर है, वो फलानी चीज है, वो फोटो है, टिंग टिंग करते रहो नाक में, ये यू आते रहो जाते रहो। ये वही 10 साल पहले एक टुकड़ा देते थे वो खाने वाला चीज प्रसाद, जो भी 20 साल बाद, यहाँ वो नहीं है। यहाँ सब कुछ नया होगा, नया। अरे खुदा के साथ सब चीजें नहीं होती। ये देखो, ये कपड़ा बदलता है क्यों? क्योंकि पुराना कपड़ा इधर होगा ही नहीं कभी, कोई चीज एक जैसी कुछ नहीं। इधर खुदा के साथ कभी एक चीज बोरिंग चीज हो ही नहीं सकती, जो दुनिया बोरिंग चीज करती है। उस बोरिंग चीज में शैतान लोगों की बुद्धि ब्लॉक करके करवाता है, लेकिन यहां परमेश्वर किसी की बुद्धि को ब्लॉक, वो बुद्धि खोलता है ताकि मन से हम उसके साथ चले। याद रखें, मन से हम उसके साथ चले। यहां नई चीजें, नया ज्ञान, नई बात, नया वचन, मन की बातें, बस सुनने वाले, सीखने वाले, पकड़ने वाले, ध्यान देने वाले होने चाहिए बस। फिर देखो, आप जानते हो बाइबल दर्शनों से, बड़े बड़ी बातों से भरी पड़ी है। ये वचन, ये ज्ञान जब आप जानते हो, जब आत्मा से इसे पढ़ोगे, तो आपको ऐसे लगेगा उस समय में आप वहीं हो। ऐसे लगेगा आपको, कैसे लगेगा? ऐसे फील होगा कि मैं वहां ऐसे रियलाइज कर रहा हूं वो बातों को, जब आत्मा से पढ़ोगे। तो जब ऐसे शरीर से पढ़ोगे तो जितना मर्जी पढ़ते जाओ, इनका कोई मीनिंग आपके अंदर बनेगा नहीं। नॉर्मली ठीक है, हाँ है ऐसा कुछ, ठीक है। ये उनके लिए मीटिंग है जो कॉन्टिन्यू सुसमाचार दे रहे हैं परमेश्वर का, जिनके अंदर रोज दिल है, रोज ऐसे प्यास है, मुझे रूह बचानी है, लोग बचाने हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बांटना है। ऐसे दिल है जिनके अंदर, ये उनके लिए मीटिंग है, याद रखो, ठीक है। अच्छा सुनो, इधर देखो, आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, मैं प्रे करता हूँ, मैं ऐसे बना हुआ हूँ, मैं अच्छा बना हुआ, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ऐसे भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए। और भी कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके कुछ काम प्रकट ना हो रहे हों, ठीक है। लेकिन बात ये याद रखो, इधर देखो पॉइंट कितने हैं। इधर देखो, सबसे पहले ये बात याद रख लो कि परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे इंसानों के लिए क्या किया? अपने काम को पूरा किया। पहले ये मन होना चाहिए। देखो, जिसके अंदर ये वचन है कि मेरे लिए परमेश्वर ने ये काम पूरा किया है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा मेरा काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसे ये पता है उसने काम पूरा किया है। इधर ध्यान दो कि क्यों कैसे कभी कभी काम प्रकट नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है यहां पर, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो आज रात हम सोते हैं, तो 2 बजे उठकर रात को रोना शुरू कर दो ऊंची ऊंची, घर वाले पूछे क्यों रो रहे हो,
कहो मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये कल सूरज ना निकला तो क्या होगा इस दुनिया का, मुझे ये चिंता आ गई, मैं रो रहा हूं इसलिए कि कल अगर सूरज ही ना निकला तो क्या होगा इस दुनिया का। तो क्या कोई ऐसे सोचेगा, ऐसे कभी कोई सोचेगा इस दुनिया में, कोई सोचता है ऐसे? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये पक्की बात फिट है कि ये रोज निकलना है सूरज, इससे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, ये पक्का नियम ठहराया हुआ है। ठीक है, उसे ये बात अच्छे से पता है। ऐसे अगर कोई कहे मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये नियम करता हूं, मैं ऐसे बना हुआ, मैं संगति नहीं छोड़ता, पर मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, ऐसे बोल रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए काम पूरा हो रखा है। अगर ये वचन अंदर है कि परमेश्वर की ओर से तो हुआ है, तो अगर वो ऐसे मन के अंदर वचन है तो फिर वो धन्यवाद दे रहा, तो फिर काम होगा। बोलो, फिर ही काम होगा। जब एक सिंपल बात है, कब परमेश्वर की हम ब्लेसिंग को, कब उसके कामों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू वचन, जब हम पूरा करते हैं, पता ही है नहीं? बोलो, जो भी हमारे जीवन से संबंध रखता, हम सीखते हैं कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, इसके लिए परमेश्वर का कौन सा वचन है, पूछते हैं या नहीं पूछते? पूछते हैं ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हमें ब्लेसिंग, आशीष, छुटकारा जो भी चाहिए, उसके लिए हमने क्या करना है, वचन को पूरा करना है, वचन को पूरा करना है। तो इसलिए हम क्या पूछते हैं, वचन पूछते हैं। बोलो, हमें यहां क्या करना चाहिए, हमें यहां क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बेबी नहीं है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बरकत के लिए हमें, मतलब अकॉर्डिंग टू वचन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा है, वो है, हमारी आंखों के सामने टेस्टिमनी बन रही है, हमारी आंखों के सामने लोगों के चमत्कार हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां जा रही हैं, लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों के वीजे लग रहे हैं, लोगों की बरकत आ रही है, लोगों के कारोबार अच्छे हो रहे हैं, लोगों का भला हमारे सामने ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं ये टीवी में कोई कहानी सुनाते हैं हमें, टीवी की कहानी है ये कि यार हमारे सामने ये हो रहा है ना, सामने सामने हो रहा है। अब हम चाहते हैं हमारे लिए हो, तो जान दें इसके लिए एक मन की तैयारी होती है। जिनके लिए नहीं हो रहा, उनका मन स्टक हो गया एक साइड में, उन्हें वो स्टक की तरह है, स्टक की तरह, उसमें परमेश्वर है, उसमें विश्वास है, परमेश्वर के साथ चलना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक स्टक है। एक्चुअली जो उसे करना था उसके मन ने वो नहीं करना, वो करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा मुझे क्या करना है। आमेन। अगर आपका दिल था सुसमाचार को आपने शुरू शुरू में बढ़ा दिया, उसके बाद आप स्टक हो, अब नहीं देते हो, वैसे आ जाते हो यहां मीटिंग में, अब आप सुसमाचार नहीं देते, तो अगर आपको पता नहीं मुझे मैं देना है या नहीं देना सुसमाचार, आपको उसके लिए क्या करना था, गुड न्यूज के लिए सुसमाचार तेजी से बढ़े, परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी। कई लोग बड़ी खुशी से ये काम करते, पता है आपको, दिल से करते, आनंद से करते, और इसके लिए आपके साथ कौन खड़ा हो जाएगा, ये बात याद रखोगा, आपको बुद्धि देगा कैसे बात करनी है, ये बात समझ देगा परमेश्वर। ठीक है, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेनी पड़ेगी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे बदल दिया, मेरे द्वारा सुसमाचार फैल रहा है, रास्ते तुम खोल रहे हो परमेश्वर, लोग लेकर आ रहे हो, जिन लोगों को मैंने बताना है वो लोग खड़े हो रहे हैं, आप मारक, आप बस ऐसे अंगीकार करना अपना रोज रोज, बाकी काम किसका है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन कहता है सृष्टि को तूने रचा, सोना तूने बनाया, हीरे तूने बनाए, पूरी दुनिया जो चीजें यूज कर रही तूने बनाए, मैं तेरा हूं, मैं तेरा चुना हुआ, मुझे नजर आ रहा है मेरे हालात, ये चीज बिजनेस पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन तेरे पास मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद परमेश्वर, वो प्रकट हो चुका है, धन्यवाद वो सच, मतलब ये ऐसे ये वचन पूरा करना पड़े, ऐसे अकॉर्डिंग टू बाइबल ये प्रैक्टिकली वचन पूरा करना पड़ेगा, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, ये कॉन्टिन्यू करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू
जिन मनुष्यों को बदलना चाहते परिवार में उनके लिए कंटिन्यू परमेश्वर के सामने जाओ। कोई झगड़ा करता, कोई नशा करता, उनके लिए परमेश्वर के सामने जाओ, उन्हें बदलने के लिए जाओ। कई लोगों की घर में आदत सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती, जिन लोगों की, उनके लिए परमेश्वर को उनको मुंह में अंगीकार करके परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, रोज लेकर जाओ, अपने एरिया को लेकर जाओ, अपने मोहल्ले को लेकर जाओ, उनके बदलाव के लिए लेकर जाओ। मैं भी ये करता हूं डेली, और ऐसे ही थोड़ी मेरी प्रार्थना इतनी है, ये सारी प्रार्थना में यही कुछ तो करता रहता हूं, और मेरा क्या काम है बताओ मुझे, बोलो मेरा कौन सा काम है? मेरा यही काम है, बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है मेरा, दुनिया में सबसे बड़ा काम है मेरे पास जो मैं कर रहा हूं। मुझे प्राउड है कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना। आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर जब एक रूह बचती है, कभी बाइबल में ये बात पढ़ी तुम लोगों ने? ऐसे लिखा है कि जब पृथ्वी पर एक रूह बचती है तो स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं, खुशी। सोच कर देखो इस रूह की वैल्यू। अगर तुम लोगों को ये पॉइंट अच्छे से नहीं पता, आप जानते हो जब आपके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा होगा, जब आपका रिश्ता सच्चा होगा, आपका काम हो या ना हो, आपके पास अच्छा खाने को हो या ना हो, फिर भी आप आनंद में रहोगे, याद रखना। सच्ची मैं लिख कर दे देता हूं, जब आप दिल से जी रहे होगे, आपके पास अच्छा खाने को नहीं है। हाँ ठीक ठीक है, सब्जी रोटी है बस, मतलब जैसे और भी कई चीजें खाने को अच्छा होना चाहिए खाना, मान लो नहीं है, ठीक है नहीं है तो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर, आप उसके लिए सच्चे दिल से जी रहे हो, आपके अंदर प्यार बहुत है परमेश्वर के लिए, फिर आप, आपके अंदर सूखा मतलब नॉर्मल खाने से भी आपको आनंद आएगा परमेश्वर के साथ, यानी आनंद में रहोगे आप, और वो आनंद एक दिन आपको इतनी बड़ी बेदारी में बदलेगा कि कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो आपके पास ना होगी। लिख कर ले लो मुझसे, लिख कर, आप चल कैसे रहे हो, आपका दिल कैसे है, आपका कुड़कुड़ मन है, आपके विचार क्या है, या आपके विचार सांप बड़े हैं परमेश्वर के लिए, आपका दिल बड़ा है परमेश्वर के लिए, आपकी डिजायर बड़ी है परमेश्वर के लिए, आपके अंदर मन बड़ा है परमेश्वर के लिए। अगर मन नहीं है परमेश्वर के लिए, ज्यादा डिजायर नहीं है, ले सकते हैं परमेश्वर से, पता ही नहीं पता, बोलो आप कितना मन चाहते हैं परमेश्वर से, तेज मन चाहते ले लो, जितनी तेज चाह चाहते मांगो उतना आ जाएगा, कितना आसान है, देखो सब सलूशन परमेश्वर से ही हो जाना है ना। जैसे मान लो तुम्हें काम नहीं करना आता ना, मान लो तुम्हें ये लोहे के बड़े बड़े पाइप हैं ये बनाने नहीं आते, तुम सोच रहे मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो बनाने नहीं आते, तो कठिन है ना, बोलो। ये जैसे गोल पिलर है लोहे के, उसको पहले पगलाओ, फिर सच्चों में डालो, पतला करके है ना, पगला कर पाइप तैयार करो, ये चीजें तुम सोचो मुझे करना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, मुझे इसको सीखना पड़ेगा, कब मैं सीखूंगा, कब मैं करूँगा। लेकिन यहां पर तो सब चीज आसान है ना, क्योंकि जो चीज हमारे पास से नहीं हो रही वो किसे लेना हमने, कितना कितना पावरफुल विषय है। देखो आप ठंडे हो रहे हो, परमेश्वर को बोलो गर्म होने के लिए, आपका मन इतना तेज नहीं है, परमेश्वर को बोलो, आप बुद्धि चाहते हो, बड़ा मन चाहते हो, उसके साथ जीना चाहते हो, बड़ा तेज मन चाहते हो, परमेश्वर के साथ बहुत आगे जा, उसके आगे रखो, धन्यवाद के साथ रखो, वैसा ही होने लगेगा, याद रखो। अब बड़ा विश्वास चाहते, बड़ा मन चाहते, तो ठीक है परमेश्वर के पास सामने जाओ, उसे बोलो मेरा बड़ा मन कर चुके हो, मेरे अंदर तेज चाहत आ चुकी, तेज दिल आ चुका, मैं तेरे लिए जी चुका, बोलो रोज अंगीकार करो, थोड़े दिनों के अंदर ही ये तेज होना शुरू हो जाएगा, थोड़े दिनों के अंदर ही। कितना पावरफुल प्रैक्टिकल है, सोचो इतना पावरफुल प्रैक्टिकल है ये, जो चीज तुमसे नहीं हो रही वो परमेश्वर के सामने बोलो विश्वास से, वो वैसा ही होना लगा लगा आपके जीवन में। आपके आप ढीले पड़ रहे हो, आपकी प्रार्थना ढीली पड़ रही है, आपका मन ढीला पड़ रहा है, दूसरी तीसरी चीजें ये हो रही है, नेगेटिव विचार बढ़ रहे हैं, इधर की गलत बातें गंदी बातें ज्यादा अंदर काम करना शुरू कर गई है,
उखाड़ो अपने शरीर से, दिमाग से, हुक्म करो ने और मांगो परमेश्वर के ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। आप जानते हो जब किसी को नेगेटिव विचार, गलत विचार काम करते हैं किसी के अंदर, पाप के विचार काम करते हैं, फ्रेंडशिप के विचार, कईयों को कभी कभी वो अच्छे लगने लगते हैं, पता आपको अच्छे लगने लगने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर उसने सही समय उन्हें परमेश्वर के सामने खत्म ना करवाया तो। उन्हें धीरे धीरे अच्छे लगने शुरू हुए थे, अगर एक बार वो थोड़े थोड़े अच्छे लगने शुरू हुए तो समझ लो बड़ी बुरी तरह से फंस जाओगे। अच्छे नहीं लगने चाहिए, कभी अच्छे नहीं लगने चाहिए। जितनी बातें परमेश्वर ने हमें मना की है वो उनसे हमें नफरत होनी चाहिए, हमारे अंदर उनके लिए विरोध विरोध होना चाहिए उन बातों के लिए जो गलत है। तो ये अवेलेबल है आपके लिए परमेश्वर से। क्या है ये? ये अवेलेबल है, अवेलेबल, आप परमेश्वर से ये चीज ले सकते हो। मेरा ये एक्सपीरियंस है, असली आनंद, असली जीवन का जो मजा है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है पवित्रता ही में, और दुनिया में कुछ है ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा, मैं सब खराब जिंदगी से निकला हूँ, हर तरह का नशा किया है, जो चीजें मनुष्य संसारी में करते हैं वो सारी में से निकला हूं मैं, यही तो एक्सपीरियंस है इस दुनिया में। इधर वो वाला सिस्टम तो नहीं है ये, ए बाबा सतगुरु पैदा है ता गोल मोल बड़ा पैदा किया है रब ने, है वो शदाई बनाने वाला विषय लोगों को, दुनिया को। असली इधर पता चलता है जब हम पाप की जिंदगी से बदलते हैं, जब पाप की जिंदगी, जितने भी अगुए दुनिया में आप सुनोगे उनकी जिंदगियों को सुनना, वो क्या थे, कितने गलत थे, कितनी गंदी जिंदगी थी उनकी, इतनी पवित्रता की जिंदगी में वो क्यों आए। अरे सब कुछ जो भी दुनिया में होता है वो उसी जीवन से निकले हैं, वो खुश भी नहीं है, वो उसमें कोई आनंद नहीं, कुछ शांति नहीं, कुछ भला नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें जो सिर्फ परमेश्वर के साथ है। याद रखो असली मजा, असली आनंद, असली जीने की शांति वो सारा कुछ ही परमेश्वर के साथ है। किसके साथ है? तो ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ये अवेलेबल है, आप ले सकते हो, डोंट वरी, ये कठिन नहीं है। ये ऐसा नहीं पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस विश्वास से अंगीकार करो परमेश्वर के सामने, बोलो के परमेश्वर आप कर चुके, रोज रोज रखो उसके सामने, रोज रोज उस बात को विश्वास से कहो कि ये परमेश्वर मेरा कर चुका है, फिर देखना कितनी जल्दी वो आपके अंदर रिलीज हो जाएगा, वो चीज रिलीज हो जाएगी आपके अंदर और आप उसे कर पाओगे दिनों में ही, दिनों में ही, दिनों में ही। आपको समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? ये मेरा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जिंदगी का असली मजा जो है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर से बाहर नहीं है। आज की मीटिंग आप लोगों के लिए यादगारी होगी, और देखना इसके बाद आपकी प्रे लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और सुसमाचार देखना आपसे कितना तेज हो जाएगा इस मीटिंग के बाद। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने बात पकड़ ली आज, सुसमाचार तेज हो जाएगा, ग्रेस काम करेगी आपके ऊपर, आपका मन खुल जाएगा, आप परमेश्वर के लिए जीने लगोगे। याद रखियो, देखना आप गवाहियां दोगे, गवाहियां थोड़े दिनों के अंदर आपकी गवाहियां होंगी, आपकी एक जबरदस्त शुरुआत होगी आपके जीवन की। ठीक है, सुनो, हम चुने हुए हैं, हमें परमेश्वर ने चुना, ये भी विश्वास किया करो, अपने मन में से सोचा करो मुझे किसने चुना है, परमेश्वर ने। कभी ऐसे सोचना जिसने आपको चुना है वो कौन है, जिसने आपको अब खड़ा किया है, बैठाया है, सोचो कभी उसके बारे में, क्या है ये आपका हालात, क्या है ये आपका काम नहीं हो रहा, छोटा मोटा बिजनेस, ये वो चीजें नहीं हो रही, लेकिन याद रखना किसने आपको चुना है और चुना क्यों है। चुना इसलिए है ताकि वो आपको ज्योति की तरह प्रकट करे। ज्योति की तरह प्रकट करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं आप भूखे मर रहे हो, ये ज्योति का, ज्योति की तरह प्रकट होना है।
आपके पास कुछ नहीं है, आप मर रहे हो, बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो घर में, ये ज्योति की तरह प्रकट होना नहीं। उसने इसलिए प्रकट किया है ताकि आपके जीवन को वो ऊंचा करे, दिखाए कि मैं जिंदा खुदा हूं चुनने वाला। आमेन। तो आप लोगों ने इन बातों को सीरियसली अपने जीवन में आज पकड़ कर जाना है, सीरियसली। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए, ये वो मुझे लगता है उनको आंसर मिल गया है, उन्हें समझ आ गई है इस दुनिया को रचने वाला है हमारे साथ। वो जानता था हमें रोटी चाहिए खाने के लिए, उसने बनाई। पानी पीने के लिए चाहिए, उसने बनाया। अलग अलग घी, मसाले, चीज़ें, प्याज, अदरक, सब्जियां चाहिए, उसने बनाया। वो जानता था। यीशु मसीह ने भी ये कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम यीशु मसीह ने किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति जो उसे नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वो रोज चिंता में, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, वो चिंता में रहते हैं। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या जरूरत है, वो जानता है। क्या तुम्हें पता ऐसे विश्वास है? हाँ, मेरा पिता जानता है। हाँ, वो जानता है मेरे पास अभी ये चीज़ की जरूरत है, लेकिन मेरा परमेश्वर का ऐसे ऐसे खुला हुआ आत्मिक मन है, मन की आंखें, तो ऐसे बातें होंगी आपके परमेश्वर के साथ। अब ऐसे ऐसे नहीं, मैं वो ये कब, ऐसे कब, वो कब, भाई हुआ ऐसे करते रहो। अब ऐसे बोलोगे मेरा पिता जानता है, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है ये मुझे जरूरत है, इस काम की जरूरत है, इस पैसे की जरूरत, कर चुका है मेरा खुदा, बेस्ट कर चुका, जबरदस्त कर चुका। ऐसे बातें मुंह से आनी चाहिए हमारी, आत्मिक रीति से मुंह से बाहर निकलनी चाहिए हमारे अंदर से। पता ही है नहीं आपको, ऐसे निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए हमारे अंदर से? निकलनी चाहिए ना, बोलो। तो यही तो आत्मिक उन्नति है, यही तो हम आत्मा में आ गए हैं, तभी तो ऐसी बातें होंगी। तो यही है हमारा सारा सलूशन हमारी लाइफ का, जो ये एक मनुष्य के अंदर ये विषय बन गया ना एक बार ऐसे, तो ये है उसका असल सलूशन उसकी जिंदगी का, असल सलूशन उसकी जिंदगी का। ठीक है, आई होप कि ये मीटिंग आपको बहुत ज़्यादा आज ब्लेस कर चुकी है, आपके मन को खोल चुकी है, आपके दिल को खोल चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ ये जो हफ्ते चलने वाले हैं आपके जीवन में, ये बड़े ग्रेसफुली होंगे। ये जो ग्रेस से आज आप भर रहे हो, जो ग्रेस आज के ऊपर ठहर चुकी है आपके ऊपर, ये बहुत काम करेगी इन हफ्तों में आपके साथ, आपके परिवार में काम करेगी, आपकी प्रे लाइफ में काम करेगी ये ग्रेस। आमेन। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए जबरदस्त प्रार्थना, सबके लिए रेडी हो जाओ। तो ये प्रार्थना के द्वारा आपके ऊपर से सारी रुकावट हटेगी, आप ब्लेस हो जाओगे, पावर आपके अंदर काम करेगी। ठीक है, तो अभी खुशी मंड में ये हो जाएगी आधे पौने घंटे में सबके ऊपर प्रार्थना, और उसके बाद आपका खाना बना है, वो खा के जाना और विश्वास से जाना और परमेश्वर के लिए जीना। सुसमाचार आज से देना शुरू कर दो, जो लोकल लोग हैं पंजाब के, रस्ते में जाते रस्ते में दो, परमेश्वर के लिए जियो। कैसे लोग मिले, कोई भी मिले, स्ट्रांग तरीके से जियो परमेश्वर के लिए, फिर देखना आत्मा कैसे आपके अंदर ज़्यादा काम करता है। तो अभी एक मीटिंग होनी है हमारी अगले महीने 7 अगस्त पाँच को मेरा बर्थडे है, लेकिन ये मीटिंग मेरे बर्थडे के लिए रखी गई, पता आपको, सिर्फ मतलब जैसे 5 को है तो 5 को फ्राइडे है, लेकिन ये संडे इसलिए रखी है क्योंकि मैं इस बार चाहता हूँ सब जितने बिलीवर सबके साथ मैं अपनी जो मेरा बर्थडे है उसको शेयर करूँ। खाना होगा, सब चीज़ें होंगी, और उस दिन मैं एक हफ्ता प्रे में रहूँगा और पूरी कलीसिया पर लैंड करेंगे, पूरी कलीसिया पर लोगों को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट नए जीवन का, आशीष का। इतनी ग्रेस लेकर दूंगा खुदा से, पूरा हफ्ता रहूँगा मैं, पहली से स्टार्ट हो जाऊँगा प्रार्थना में, कहीं नहीं जाऊँगा, बस प्रे में ही रहूँगा। और आई होप कि जितने लोगों के उनके लिए मेरे बर्थडे से उनको गिफ्ट मिलेगा आशीष का,
ये 7 को होगी मीटिंग, जबरदस्त मीटिंग होगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए तो ये डबल हो जाएगा ना, आज भी आप लोगों के लिए। हालेलुया, रेडी हो जाओ टीम, जल्दी आओ, लगाओ लाइटिंग की, रेडी हो जाओ। खुदा की बड़ी पावर काम करने वाली आज, ये लेहन, ये ग्रेस जो मैं भरकर प्रार्थना से आत्मा से आया हूँ, आप पर रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस नेम जीसस, टच हर रुकावट जाए, ऊंचा कर थोड़ी सी गिटार, रोजर खुदा तेरी ग्रेस काम करे, ये सामर्थ से भर जाए, तेरे काम करो करे, टच नेम जीसस, टच। माइक रखो पास में, माइक रखो एक माइक, रोजर टच नेम जीसस, खुदा तेरी सामर्थ काम करे, खुदा सामर्थ काम करे, तेरी ग्रेस से भर जाए, टच इन जीसस नेम, जीसस यस नेम, जीसस खुदा तेरी सामर्थ काम करे, टच 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 नेम जीसस खुदा, रोजर तेरी सामर्थ काम करे, खुदा तेरी सामर्थ काम करे, सामर्थ काम करे, टच नेम जीसस, भर जाए तेरी ग्रेस से, रोजर खुदा तेरी सामर्थ काम करे, हर रुकावट जाए, टच नेम जीसस, भर जाए ग्रेस से, टच नेम जीसस, रोजर टच रोजर, रुकावटें जा रही है आपकी, ग्रेस काम कर रही है, आप बढ़ रहे हो, बड़े आशीष को पा रहे हो, टच नेम जीसस, खुदावंद तेरी सामर्थ काम करे, आशीष ठहरे यीशु मसीह के नाम से, आशीष ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, टच नेम जीसस, खुदा बंद हर रुकावट जाए इनके जीवन से, तुझ में बढ़ते जाए, ये बड़ी ग्रेस काम करे, टच जीसस नेम जीसस, रोजर रबा टच टच नेम जीसस, धन्यवाद करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, ग्रेस को लेते जाओ, यस खुदा बंद तेरी सामर्थ से भर जाए, सुसमाचार बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से, टच कब जाए यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावट जाए, तेरी ग्रेस से भर जाए, हर रुकावट जाए, ग्रेस से भर जाए, टच नेम जीसस, तेरी ग्रेस से भर जाए, तेरी ग्रेस से भर जाए, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, टच नेम जीसस, नेम जीसस, नेम जीसस, नेम जीसस, ओजारा बाबा, आगे आगे, खुदा तेरी बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, तेरी बरकत ठहरे, तेरी बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, बरकत ठहरे 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, टच रोजर बाबा, हर अंधकार की रुकावट जाए, बीमारियां भी हटती जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, रोजर बाबा, टच नेम जीसस, नेम जीसस, रोजर बाबा, टच आगे लाओ, से आगे लाओ, टच 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 नेम जीसस, रोजर बाबा, हर रुकावट जाए नेम जीसस, टच रोजर बाबा, खुदा तेरी ग्रेस ठहरे, तेरी ग्रेस ठहरे यीशु के नाम से, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, रोजर बाबा, टच नेम जीसस, रोजर बाबा, टच शट रुकावट सारी यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावट जाए, टच नेम जीसस, रोजर बाबा, बड़ी पावर काम करे, 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 टच रोजर रबा, टच नेम जीसस, टच रोजर रबा, बरकत ठहरे, लाओ इसे आगे, आगे लाओ, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, यस यस बाबा, हर रुकावट जाए 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 यीशु मसीह के नाम से, रोजर रबा, शट 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 शट, और आशीष ठहर रही है आप लोगों पर, हाथ रखते ग्रेस काम कर रही है यीशु नाम से, टच नेम जीसस, टच ला 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 आगे, टच नेम जीसस, टच नेम जीसस, खुदावंद तेरी बरकत ठहरे परमेश्वर, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हर अंधकार की गावट जाए, शट नेम जीसस, टच नेम जीसस, कहते हैं लोगों को बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ठहरे, टच टच नेम जीसस, रोजर बाबा, टच नेम जीसस, रोजर हर रुकावट जाए यीशु मसीह के नाम से, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टच नेम जीसस, नेम जीसस, बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, तेरी ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से, तेरी ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से, नाम से नाम से, नाम से ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, तेरे नाम से ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, रो रो बा 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 टच ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ओ जर बा 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 ओ खुर रब टच नेम जीसस, ग्रेस ठहरे, ग्रेस ठहरे, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ओ जर बा 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 ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे, हर रुकावट जाए यीशु मसीह के नाम से, डालो जल्दी से लोगों को, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, टच नेम जीसस, टच नेम जीसस, टच नेम जीसस, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, खुदा तेरी बरकत ठहरे, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे, ओ जर्रा बा 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 बा, ग्रेस ठहरे, ठहरे, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, यस यस, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम, नाम से ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, यस ब्रेथ, ग्रेस काम करे खुदा, बड़ी ग्रेस, बड़ी ग्रेस काम करे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस 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 ग्रेस, ओ जर्रा बा बा बा, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस 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 ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से नाम, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से, नाम से ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, रोसा ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये ग्रेस काम कर रही है, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ठहरे 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 यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस जी रोजा रबा बा बा रोजा का नाम रवरी शोध नम बा बा, ठहरे यीशु मसीह के नाम से ये ग्रेस, ठहरे ठहरे यीशु मसीह के नाम से ये ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, रोजा रबा बा बा ये ग्रेस, ठहरे ये ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से नाम से नाम से ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठहरे ये, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस यीशु मसीह के नाम से ये ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ठहरे ठहरे यीशु मसीह के नाम से, जर्रा बा 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 ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, टच टच नेम जीसस, खुदा तेरी बरकत ठहरे, तेरी बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ला ला जल्दी से, जल्दी से ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से, टच नेम जीसस, टच टच नेम जीसस, ओजा ग्रेस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम, टच नेम जीसस, touch him jesus rozaraba grace tare, grace tare yeshu masih ke naam se, naam se naam se naam se naam se ye grace tare, tare yeshu masih ke naam se, naam se naam se, touch him jesus rozaraba, touch him jesus, touch rozaraba yeshu naam se barkat tare yeshu masih ke naam se, prarthna mein bade jeevan touch, prarthna mein bade jeevan touch, prarthna mein bade jeevan touch, प्रार्थना में बड़े जीवन, टच 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 टच, सारी रुकावट जाए, टच नेम जीसस, टच ओ जर्रा बा बा बा, और यदि नहीं क्या वॉलंटियर कोई भी आ जाओ, प्रेस काम कर रही है, टच टच नेम जीसस, टच सारी रुकावट जाए, नेम जीसस ओ जर्रा बा बा बा, आ जाओ, टच नेम जीसस, टच नेम जीसस, शिट सारी रुकावट जाए, चट सब कल चाट में जीसस, पर कठारे यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से, कठारे यीशु मसीह के नाम से, कठारे यीशु मसीह के नाम से, ओ जरा पर कठारे ठारे यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस ठारे टच नेम जीसस, टच टच नेम जीसस, कठारे यीशु मसीह के नाम से, ओ जरा बा 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 बा, पर कठारे ठारे ठारे नेम जीसस, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, ठहरे यीशु मसीह के नाम से, समर्थ काम करे, समर्थ काम करे मुझ में, तो तेरी समर्थ काम करी करे, धन्यवाद करो मुझे, देखो ये एक अभिषेक तक हुआ है, इसीलिए आप बढ़ो आगे, ये कहानी नहीं है, ये ग्रेस है, ग्रेस जो आपको इस हफ्तों में इतना तेज करने वाली ना आज की मीटिंग, आप सोचकर हैरान हो जाओगे, ये तब होता है जब हमें ये फोकस है,
जब हमारे अंदर ये विश्वास है, ऐसी ग्रेस, ऐसी सामर्थ अगुए के द्वारा हमारे ऊपर काम कर गई, तो हम बहुत आगे जाएंगे। आपके आगे बढ़ने के लिए ही अगुआ एक सोर्सेस होता है, खुदा की ओर से नियुक्त किया होता है ताकि आप आगे बढ़ो। याद रखो, आगे खोलो, मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं सामर्थ है या नहीं मुझे। चलो हाथ ऐसे करो, अभी देखना, मुझे देखते रहना, आपको फील होगा कैसे सामर्थ टच करती है। जो मुझे सामर्थ काम करे, सामर्थ इनको टच करे, नेम जीसस, कि वो ताकत है, वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करेगी। आज से आपको पता चलेगा वो जिंदा खुदा है, आपको आगे बढ़ाएगा। आज वो टच कर रहा है आपको, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है। हर रुकावट अंधकार की आपके जीवन से जाए, टूट जाए आज, टूट जाए आज, टूट जाए आज। आत्मा से भर जाओ आज आत्मा से, और रुकावट आपकी जिंदगी से जाए आज। दुगना दुगनी सामर्थ से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। हजारों लाख रुए बजे आज से यीशु मसीह के नाम से। टच इन जीसस, हालेलुया। तेरा रू, तेरा रू बसे दिल विच, तेरा पाक रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू बसे दिल विच, तेरा पाक रू। हाथों को उठाओ, अधिकार करो, जो आज आपने लिया है परमेश्वर से, मेरे द्वारा आशीष को, सामर्थ को, ग्रेस को, ये आपके ऊपर ठहर चुकी है। अब बड़ी टेस्टिमनी से आओगे, गवाहियों से आओगे। आमेन। अभी फील कर रहे हो या नहीं? कितनी ग्रेस, कितनी सामर्थ लग रही है आज आपको? ये कहानी नहीं है, अगली बार देखना, अगली मीटिंग आपके लिए ना कुछ बड़ी होगी, बड़ी।